अभी आदरणीय त्यागी जी कह रहे थे कि पूरे मंडल में हमारी कमिश्नरी में गठबंधन की प्रत्याशी बनी थी प्रमुख, और वो इनमें बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं कहना चाहता हूं सत्ता के लोगों को, चोरी छिपे काम मत करो, अगर दम है तो अविश्वास ना करके यहां पटाने का काम करो। तब आप बहादुर माने जाओगे, तब आप पैसे वाले माने जाओगे, शक्तिशाली माने जाओगे। ये क्या तरीका है पावर सीज करने का? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं बधाई उन लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने उनको प्रमुख बनाया। आदरणीय हमारे नरेश टिकैत जी भी, जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे याद है वो भी यहाँ थे, हरेंद्र मलिक जी, त्यागी जी, और बहुत लोग आप उस दिन यहाँ बुढ़ाने में थे और आपकी हिम्मत थी कि आपने उसको जिताने का काम किया। मैं आपको भी बधाई देनी चाहता हूँ। आदरणीय संदीप जी नहीं बैठ पाते, एक सुधर जी वो बहुत जल्दी डेढ़ बजे आते, इधर देख मजा नहीं आ रहा। चलो जिसमें जा तहरीर थी वो यार मैं नहीं, हम वहां चले पंचायत है, महापंचायत तो महापंचायत में निर्णय लो कई, और हम निर्णय की सहायता जी है चले सबसे पहले हम चलो तीनू पार्टी पर नेता जेल चलो, तीनू पार्टी का फौज होता जेल चलो, हम चौधरी चरण सिंह धनिया यह जेल है बनी सौ बार चलो। अब चौधरी चरण सिंह जी देश में राजनीति में पैदा ना होते, ना आज हरेंद्र मलिक जी बनाते, ना आज और अमेल्ला नहीं बनाते, यह देन चौधरी चरण सिंह की देन है। और भाई जो लड़ा वो बढ़ा, और हम तो जन्म जात लड़ाई में पैदा हुए, लड़ाई में चले जाओ, जन्म चौधरी बलिए पैदा हुए, चौधरी चरण सिंह बलिए पैदा हुए, उसी परिवार में उसी झंडे में आप उत्तम करते हो। धन्यवाद।